मैं मेन बाजार में पहुंचा हूँ तो भाई साहब बारात जा रही है क्योंकि हमारे जो है ना गाँव में आजकल रहमत करम फजल और शुक्र से जी आज के ब्लॉग करते हैं शुरू। जिस भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया और मेहरबानी। मैं ना आज बच्चों को छोड़ने जा रहा था तो बाद में ना पता लगा कि दो ही थे तो मैंने ना दूसरे रिश्ते वाले को दे दिए कि यार आप ले जाएं, दो ही तो लड़कियाँ हैं। तो बैठा था अपने दर्जी भाई के पास तो ये आए हैं बच्चे खेलने के लिए जा रहे थे, बहुत दिन हो गए थे भाई साहब क्रिकेट नहीं खेले क्योंकि ये जब से बाजू फ्रैक्चर हुआ था ना उसके बाद मैंने बैट को हाथ भी लगाया तो अभी हम जा रहे हैं। छोटे छोटे हैं बड़े को नहीं, अकील भाई को बुलाया था वो कह रहे थे कि यार आप चले पर मैं आ रहा हूँ। ये बॉल अभी न्यू ले गया है तेजूस, अल्लाह की कसम लगे हो मेरा पुत्र जूस मंगा। गाँव में पहुंच गए लेकिन जहाँ से हमने खेलना ना इस साइड समझो कि खड़े होना और इस साइड से बोलेंगे ना तो बैट्समैन को सामने सूरज बिल्कुल आंखों में पड़ना है तो अभी कुछ गैस लगा रहे हैं कि कहाँ पे ये खेलें। फिलहाल अभी सब छोटे छोटे ही हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं। अकील साहब कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, उसके बाद और भी दोस्त हैं जो हमारे साजी या बेल ए सैरते आला ताज बने ते सैरते बाबा जी बाबा जी ताज 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 चलो चल आवर किन्ने किन्ने आवर 8 8 8 8 खान साहब है तो इनकी जनाब ना बैटिंग है ये बड़ा खुश हो रहा है कि पता नहीं कौन सा पहाड़ इन्होंने सर की है। हमारी आई है बॉलिंग और मैं बाजू बॉलिंग नहीं ना करवा सकता तो मैंने उसको लगाया हुआ क्योंकि ये बाजू उतर जाता ना बॉलिंग करवाते हुए बाल से आउट होना है। ये जी हमारी विटकी जैक करे हमने इंटे जोड़ जोड़ के ना बहुत मुश्किल से खड़ी की है। अकील माई इज कमिंग अगे आगे आगे एडी छां ते तेनू नहीं खिलारदा धुप ते तेरे वास्ते बनाइए करीमा का सर खत्म करना जैनियन रंग कटो भाई जान जैनियन रंग बॉल अकील माई आउट है आउट है आए 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 वेरी गुड वेरी गुड जाती हुई है भाई जान आउट होके बैठा हुआ। अकील भाई ने जो है ना अकील भाई कह रहा हूँ ये सामने जो बॉलर लगा इसने वाइट बॉल कराई थी मैंने शॉट लगाई और बाहर गेंद चली गई तो हमने बाहर का ना आउट रखा हुआ। विन दी मैच अकील भाई लास्ट में उन्होंने शॉट लगाई और गेंद चला गया बाउंड्री लाइन के बाहर ये लकड़ी गया गर्मी बहुत ज्यादा आ ले ले भाई साहब के पास ना पड़ी है हार्ड बॉल तो वो देखने लगा क्योंकि मैंने पहले देखी नहीं है। ये ना मशीन का काम कर रहा था ना तो छोटी मेरी सिस्टर ने कहा कि आपकी मशीन खराब कर दी है नदीम ने तो पास खराब मुझे कहता है जल्दी जल्दी सही कर नहीं स्कूल खराब है ताड़ी मशीन है तेरी मामा दी है मैं खराब कर देती है इसको ना तेल दिया तो थोड़ी जाम चल रही थी तो बाद में चेक किया इसमें धागा था तो वो निकाला है मैंने इसको तेल लगाया और धूप रखी है खराब हो अभी टाइम जी हो रहा है हमारे खाने का ये सालन अभी अमीन ने नया बनाया है मसन के अभी भी बनाया बड़ा गोश्त साथ ये की वाली रोटियां साथ जो पोते ने की ना चटनी बनाई और ये नमक था इसमें कम तो ये इसलिए लाया मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ओ यार एक रात से खाना खाना मेरा बड़ा मुश्किल वाला काम है क्योंकि आज छुट्टी थी और छुट्टी वाले दिन मैं तो ना फ्रेश होके कपड़े वगैरह चेंज करके जाता हूँ लाली मसल के ना उस दिन घूमना फिरना होता है तो रात को ना आसिफ भाई के फोन आया था वो कह रहे थे कि यार
मैंने आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है तो आप मुझे ना आगे मिलें, तो अभी मैं जा रहा हूँ, शायद वाली बात है अगर वो घर हुए तो मिल जाएंगे, वरना उसकी एजेंसी पे जाना पड़ेगा। भालू कि जाना पे हैं? तारी मनान गया है। ये जी सामने आसिफ का घर आ गया, लेकिन पता करते हैं घर पे है भी या नहीं है। घर पता किया, घर वाले कह रहे हैं कि वो अभी अभी तुम्हारे आने से पहले 10 मिनट निकला है, वो गया एजेंसी पे और फोन आ गया ना उसके भाई का, तो उधर चला गया था। एजेंसी पे आया हूँ और एजेंसी भी सामने बंद है, मेरे ख्याल में वो डीजल लेके कहीं गया होगा। जैसे ही मैं मेन बाजार में पहुंचा हूँ ना तो भाई साहब बारात जा रही है, क्योंकि हमारे जो है ना गाँव में आजकल शादियों का सीजन चल रहा है। ब्रो पैसे फेंक रहे आगे, भाग के जा ना, इधर हो ना, पैसे फेंक रहे जा। ओ वाह वाह भाई जान, बच्चों की ईद है आज, बच्चों की ईद है। वकील भाई सामा भाई आ गए हैं, जा सामने पैसे सुटते हैं मेरी। ये भाई सुबह हमने कोई इसने बॉल जो है ना तुम कर दी थी, मिली को नहीं मिली। कहाँ जा रहे हैं? किसकी शादी पे? किसकी शादी है बता दो सही। ये जी स्टूडेंट हमारे स्कूल का, ये हमारे मेरे साथ ही जाता है, तो वह हैदर, हैदर का छोटा भाई है। मैं ना घर में आ गया ना, बेड पे लेटा था ना तो नींद आ गई थी, तो सो गया था। अभी जब आँख खोली है ना तो मैं टाइम देखा, टाइम 2:15 का हो रहा है, 2:30 बजे छुट्टी होनी। तो मुझे अभी याद है कि यार दारे रकम से तो छुट्टी थी, लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चे जो है ना वो गए हैं, तो वो लेने जाना है। वो भी सिर्फ 2 लड़कियाँ गई हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा हूँ, वहीं पर जो है ना कोई अपने गाँव का रिक्शा मिलाना तो उन्हीं के साथ बिठा दूंगा, क्योंकि सुबह भी मैंने ना ऐसे किया था। अली सड़ा में पहुँचा हूँ ना, तो भाई साहब इधर अभी थोड़ी सी देर है, तो मैं यहाँ पे रुका हूँ जूस के लिए। ये वाला फ्रूट का, ये वाला जी। यार ये 30 का है, जाने तो यार 25 का नहीं मिलता, कब का हुआ महंगा। अच्छा ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये जूस मिलता है 30 का, तो मैं कह रहा हूँ 25 का कहते हैं महंगा हो गया हुआ है, हालांकि मैंने अभी कल ही लिया है दुकान से अपने गाँव से। एक मजे की बात है कि यार यहाँ से ना जूस वो ठंडा मिला है, वहाँ से जब पिया था ना तो वो इतना खास ठंडा नहीं था, तो ये वाला जो है ना अच्छा खासा ठंडा। लड़कियों वाला काम तो खत्म हो गया, स्कूल छुट्टी हुई थी ना तो दोस्त था एक मेरा रिक्शे वाला गांव का ही, तो उसको मैंने बोला कि यार 2 लड़कियाँ जो है ना मेरे साथ जाती हैं, तो मैं आज रिक्शा नहीं लेके आया, तो मेहरबानी करें उसको लेके आ जाता। तो वो कह रहा था भाई नदीम कोई मसला नहीं है, आप इनको बिठा दो, तो अभी उसको रिक्शे पर बिठा के आ लूँ, वो अभी आ रही है रिक्शे भाई। अभी अभी ना नेट वाले भाई का फ़ोन आया है, तो क्योंकि डेट यार उनकी ना 25 लास्ट डेट होती है ना, तो अभी आज 2 दिन ऊपर हो गए, वो कह रहे हैं कि यार आप ना आसिफ भाई को दे दें। ये सामने है भाई आसिफ की दुकान, फास्ट फूड जिन्होंने न्यू बनाई है, उठने का फुल प्रोटोकॉल कितने ये है। ये अभी बिल निकाल रही है और भाई साहब को सामने और जनाब जानी बिल जरा ना नेट लेने दे देना 1600 रुपया, ठीक हो गया। खा खा भाई साहब के खाने का स्टाइल चेक करे, अभी मैं बिल देखे, मैंने कहा यार चलो भाई के पास चलते हैं, बड़ी स्पीड से लगे हुए थे, जैसे वीडियो देखी ना आराम सुकून से ठंडे हो गया मेरे को तेरी क्या। मैं अभी ना पेट्रोल पंप से आया था पेट्रोल डलवाने के लिए, ये अभी मुझे मिला है, ये पहले सरकोता गया था, अभी फिर कहीं जा रहा है जानी, और ये काज भाई मेरे साथ है, तो फिर हम गाँव गए हैं, गाँव से फिर वापस इसी के साथ आया मोटरसाइकिल पे, जाने हैं मेरी जान इन्हें मैंने गल कर लें, शामी ने ना मिलया और सड़ जा से हो सड़ जा मैं कश्मीरी पॉइंट
पैसे डाल के पाना यकीन कर, तेरी बात सुनना पाई जाना। ये मोबाइल पकड़ना ना मेरा, ये वाला, ये भी मोबाइल अपना ही है। मैं कह रहा हूँ कि मिलके पैसे डाल लेते, क्योंकि हम तीनों ही हार गए हैं, चाहे मिलके भी लेंगे। हमारे भाई भी बैठे हैं माशाल्लाह से बगैर पैसों के, बल्ले बल्ले। फिरोज भाई बुलाया नहीं बुलाया? ये जी हमारी गली में हमारे एक दोस्त, उसकी शादी है, मसलन के मेहंदी है आज, और अभी हम बाहर ही खड़े हैं, और ये जो बंदे हैं ना अनार वगैरह और शनाएं फेंक रहे हैं। क्यों फिरोज भाई, अजीब बात है। और मैंने कमीज उतारा क्योंकि मैं ना वहाँ सो रहा था, फिरोज भाई का फोन आया कि यार बाहर आओ, बड़ा माहौल बना हुआ है, तो मैं वैसे ही कमीज उतार के यार। तो जी आज का व्लॉग यही कंप्लीट होता है। जिस भाई को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने भाई निधि मिली को दीजिए इजाज़त। अगर अल्लाह ने चाह तो जिंदगी ने फागी, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।